पहली बार रियलिटी शो में कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें तीन जनरेशंस कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, यंगस्टर्स, यूथ और एडल्ट्स। और तीनों जनरेशन में हमें बहुत ही बेहतरीन डांसर्स मिले हैं, तो लोग वो देख ही लेंगे। अभी ऑडिशंस के बाद 18 लोगों को मेन शो में लेके जाएंगे, जहां पर हर जनरेशन से 6 परफॉर्मर्स होंगे और अल्टीमेटली फिनाले में हर जनरेशन से एक एक विनर आएगा और उसके बाद हमारा अल्टीमेट डांस दीवाना निकलेगा। तो आई थिंक बहुत यूनिक फॉर्मेट है, बिकॉज एट एवरी स्टेज हमारे पास युवा, बच्चे और बड़ों का एक बैलेंस रहने वाला है और टॉप 3 में भी हर एक जनरेशन से एक कंटेस्टेंट रहने वाला है। तो उस कारण से बहुत यूनिक होगा। कुछ लोग टेक्निक लेके आएंगे, कुछ लोग प्योर पैशन लेके आएंगे और कुछ लोग डिज़ायर लेके आएंगे। तो मुझे लगता है उस कारण से एक बहुत यूनिक शो बनने वाला है। हम बोलते हैं, कहावत है कि एज इज जस्ट अ नंबर, डांस करने की कोई उम्र नहीं होती। वी आर प्रूविंग इट, क्योंकि वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू पीपल जिनका जो 4 साल के हैं, जो 40 साल के हैं, जो 80 साल के हैं, इवन दे कैन कम एंड परफॉर्म। तीन जनरेशन जो हैं वो हैं कि हमने एज ब्रैकेट दिया है एज जनरेशन को, फ्रॉम 4 टू 18, 18 टू 35, 35 एंड अबव। सो देयर थ्री जनरेशन कम्पीटिंग टुगेदर, सो इट्स गोना बी ग्रेट फन। वी हैव ऑलरेडी डन 3 एपिसोड्स, वी हैव शॉट 3 एपिसोड ऑडिशन एंड ट्रस्ट मी वी हैव गॉट सम अमेजिंग टैलेंट। बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, जजेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हैविंग स्पोक अबाउट द जजेस हैं माधुरी मैम मेरी फेवरेट, और शशांक एंड तुषार, आई थिंक सभी बहुत वी हैव लाइक एन अमेजिंग जजेस का जो पैनल है वो बहुत कमाल का है। और डांस दीवाने का कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो मुझे लगता है आज तक ऐसा शो तो नहीं आया कि तीन अलग अलग जनरेशन्स एक ही मंच पर परफॉर्म करने वाले हैं। मेरे लिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम होस्टिंग अ शो, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू डू द शो। और एंड ऑब्वियसली एक शो को बनाता है उसके कंटेस्टेंट्स, एंड आई थिंक वी हैव गॉट सम अमेजिंग टैलेंट। अभी 3 ऑडिशन राउंड्स हो चुके हैं और मैं बस चाहता हूँ कि लोग ये शो ज़रूर देखने आए। इट विल कम सैटरडे संडे 9 PM ओनली ऑन कलर्स 2 जून से।